नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। साध्वी यौन शोषण मामले में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सजा काट रहे सिरसा के डेरा मुखी और प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल की अर्जी एक बार फिर से खारिज हो गई है। यह अर्जी सुनारिया जेल के अधीक्षक ने खारिज की है। उल्लेखनीय है कि डेरा मुखी ने अपनी माँ की बीमारी के लिए और उसका हवाला देते हुए कोर्ट से पैरोल के लिए आवेदन किया था। कोर्ट ने बाबा के आवेदन सोनारिया जेल प्रशासन को भेजते हुए कहा था कि इस मामले में जेल प्रशासन ही फैसला ले सकता है। सोनारिया जेल प्रशासन ने बाबा की पैरोल देने के संबंध में सिरसा प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। सूत्रों के अनुसार सिरसा प्रशासन ने बाबा की मां की मेडिकल जांच करवा कर रिपोर्ट सोनारिया जेल प्रशासन को भेज दी थी। सूत्रों का ये भी कहना है कि सोनारिया जेल अधीक्षक ने सिरसा प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर डेरा मुखी की पैरोल की अर्जी खारिज कर दी है, यानी बाबा को फिर से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बाबा ने सिरसा डेरा में अपनी खेतीबाड़ी की देखभाल के लिए पैरोल के लिए आवेदन किया था और उससे पहले अपनी मुँह बेली बेटी की शादी के लिए पैरोल मांगी थी। उस समय न सिर्फ छत्रपति के परिवार ने पैरोल देने का विरोध किया था बल्कि अन्य संगठनों ने भी विरोध किया था। हालांकि पूरी तरह से मीडिया में विरोध को देखते हुए डेरा मुखी ने खुद ही पैरोल के लिए आवेदन की अर्जी वापस ले ली थी। हालांकि पैरोल मिलना उनका अधिकार है, लेकिन माना जा रहा है कि जेल प्रशासन ने जो रिपोर्ट मांगी थी उसमें सिरसा प्रशासन ने व पुलिस प्रशासन ने ये रिपोर्ट जरूर दी है कि अगर डेरा प्रमुख बाहर आते हैं तो कानून व्यवस्था को संतुलित रखना कठिन होगा। उसके साथ साथ कई तरह की दिक्कतें भी आ सकती हैं। मामला अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण सोनारिया जेल प्रशासन ने ये पैरोल खारिज की है। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।